हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। आप सभी लोग कैसे? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। तो अभी टाइम बज रहे हैं 8:30। मैं अभी उठा था सुबह और बाहर निकल के देखा मैंने कि बारिश हो रही थी। आपको दिखाता हूँ, अभी बारिश पड़ के हट चुकी है और ठीक है यार, मौसम भी ठंडा हो गया। एक दो दिन से गर्मी होने लग गई थी, अब मौसम ठंडा हो गया। ऋषा मामू आ गए। ऋषा के पता नहीं क्या मच्छर काट गए यहाँ पे। ऋषा अरे यार ये क्या लग गया। प्रीशा हेलो कर लो, हेलो मामू का हेलो कर लो, हेलो क्लैपिंग कर लो, क्लैपिंग। अभी नहीं आती इसको क्लैपिंग। गंदी बच्ची है प्रीशा, गंदू प्रीशा, गंदी बच्ची प्रीशा। उठा दे मामू को, उठा दे छोटे मामू को, उठा दे उठा दे उठा दे उठा दे। अमन उठ जा, खाना खा ले बुरिश करके। अरे यार उठ जा प्रीशा, उठा तू, उठा दे, उठ जाएगा, उठा दे उठा दे। तू खुद ही सोने की सलाह में है, उठा, खींच दे पकड़े, खींच दे। अबे भाई तू नहीं कुछ करेगी। और अभी अपना खाना हो चुका रेडी। ये आपको कड़ी लग रही होगी पर कड़ी नहीं है, ये है सेमियों की सब्जी, शोपा जी क्या देते हैं जिसे हम। ये ज़्यादातर ढाबों पे मिलती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। प्रीशा ये क्या कर ली है तू, ये क्या कर ली है, इसको सिर पे पहनते हैं। छोड़ दो छोड़ दो, अभी खाना करते हैं शुरू। देखना कैसे टोपी घोस रही है, रहने दो रहने दो। अरे बैठ जाओ आराम से बैठ जाओ, इसको सिर पे डालते हैं राजे, सिर पे। अब देख कितना अच्छा बच्चा लग रहा है प्रीशा। अबे यार रोने क्यों लग रही है, भूख लग रही है तेरे को, भूख लग रही है। मामू रोटी खा रहे हैं, तुझे भी खानी है। राइस ने चैलेंज दिया मुझे कि मैंने इससे ज़्यादा हाई स्कोर लेके आना है। तो अभी मेरे पास दो उदाहरण है, ये काफ़ी टाइम से खेल रहा है तो मुझे लगता है कि इससे जीतना मुश्किल है। एक एक बारी है ना दोनों की, तो अब मैं एक चीज करूंगा। ये क्या बस हार गया तू, मेरी बारी है, आजा दम है, आजा इस तरह ही आजा ना, आजा दम है, बारी मेरी आ गई। ना ना भाई फिर मैं नहीं खेल रहा यार, तू रोंडी पी रहा है। मेरा क्या जा रहा यार, ऐसे रोंडी पी के तू खेलेगा फिर थोड़ी जीत जाएगा तू, वैसे भी तू हार जाएगा मेरे से। आजा फिर यूं ही आना। हाँ फिर बारी तो मेरी आ गई ना, सो पे तो आउट हो गया तू। पहले मेरी हो तो गया, 4,13,000 आउट होया। कहाँ 4,13,928 स्कोर। अबे क्या बदमाश बनेगा तू, इससे ज्यादा मैं बना दूंगा। आजा फिर टक्कर, आजा फिर, आजा ना, आजा 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 मारू। तो गाइस हार चुका है ये अभी। अच्छा अच्छा ओए रुक जा एक मिनट, मैं फोन रख दूँ साइड में। अच्छा अच्छा तो गाइस अभी फाइनली लड़ाई में मैं जीत चुका हूँ। ये देखो एलियन, अबे सारे एलियन क्या बदमाश बन गया था। ये देखो मैंने रुला दिया इसको। रुला रोने लग गया ये बच्चा। कह रहा हार गया मैं तेरे से, रोने लग गया तभी करके। देखो ये चैलेंज अभी आपने काफी सारी वीडियो में इसको शांत देखा होगा, पर आज आपको इसकी सच्चाई पता लग गई। देखिए बड़ी थोड़ी हुआ। अभी मैं फ़िलहाल आ चुका हूँ दूसरे घर में, क्योंकि बिकॉज जो भी सर्दी के कपड़े थे, अभी थोड़ी धूप पड़ने लगी थी एक दो दिन से, जितने भी सर्दी के कपड़े थे वो ट्रंक में रख देते, तो मैं ट्रंक लेने आया हूँ यहाँ से। अभी ट्रंक लेके चलते हैं। आज का मौसम है जो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, पीछे सारा जितना भी हो रहा है ग्रीन हो रहा है और ऊपर जो है बादल हो रहे हैं, दिखाता हूँ आपको। और हल्की हल्की हवाएं चल रही है जिसमें मतलब कि गर्मी भी नहीं लग रही और ठंड भी नहीं लग रही। अभी मैंने जैकेट डाली हुई है इसके नीचे, एक टी शर्ट से वो डाली हुई है। अभी चलते हैं अंदर। ये हमारी दादी अम्मा बैठे हैं, ट्रंक अभी आ चुका है बाहर, अभी रखते हैं इसको स्कूटी के ऊपर।
अरे कैसे रखेगा, मैं कह रहा यहाँ रख दे आगे, आएगा नहीं, आने का नहीं, चल फिर पीछे रख दे, पीछे रख ले। आइला जादू ऐसे कर ले, चल बस ऐसे ठीक है, चल अब बैठ जाएगा। तो इतने में तू अपना देख, मैं तो बैठ दूँ, मैं अभी बैठ जाऊँगा, चलो फिर चल। अभी फिलहाल हमारा सस्ता बाहुबली आ चुका है ट्रंक उठा के, ये हमारा सस्ता बाहुबली है। बकवास ना मार। आजा, अरे दरवाजा खोल, आजा आजा यार, दरवाजा तो खोल दे सही दे। देख देखे बाहुबली को, तो अभी मैं फिर से आ चुका हूँ मम्मी को लेने। अब मैं मम्मी को ले जाऊंगा, पहले ट्रंक ले गया था। डेजी डेजी, अब हवा कुछ ज़्यादा चलने लगी है, पहले इतनी ज़्यादा हवा नहीं चल रही थी, अब जो हवा चल रही है बहुत ज़्यादा चल रही है, और ड्राइव करने में भी दिक्कत आ रही है, क्योंकि बिकॉज जो भी धूल मिट्टी होती है वो सारी आंखों में आ रही है सीधी, तो ड्राइव करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो अभी मैंने इतनी सी बात ही कही और फाइनली बारिश चालू हो गई, अब देखते हैं यार कब रुकेगी, फिर चलेंगे। ऐसे आपको नहीं दिख रही होगी बारिश, पर ये दीवार पर दिख रही होगी आपको। तो अभी फाइनली बारिश रुक चुकी है, अभी कुछ कुछ बूंदें आ रही हैं, बाकी तो रुक चुके हैं लगभग। और अब मौसम जो खुल के आया ना, तो उसका मजा ही अलग है। और अभी जितना भी सामान रखना था अभी रख चुके हैं, अभी चलते हैं घर की तरफ। तो मैं अभी फ़िलहाल आ चुका हूँ घर पे, चाय के साथ पैटी आई है, चाय पैटी। अभी कुछ सामान हम बेड में रख रहे थे और कुछ निकाल रहे थे, तो बेड में से मुझे एक चीज़ मिली, मैं आपको दिखाता हूँ। ये गिलास मुझे बेड में से मिला है, ये पित्तल का गिलास है, और इसके ऊपर ड्राइंग काफ़ी अच्छी हुई है, मैं पहले लेके आया था ये, और मैं इसमें शुरू में एक दो दिन पानी पिया, फिर पता नहीं ये गुम हो गया था, और मुझे नहीं पता था ये मम्मी ने अंदर रख दिया इस गिलास को, अब वापस से निकाला है, अब फिर से इसमें पानी पीना शुरू करूँगा, और ये भी नहीं उतारा इसका, इसे धो नहीं ना सकते, ऐसे ही पानी मार के रख देते थे, क्योंकि बिकॉज इसका जो ये पेंटिंग थी ना, ये उतर जाती सारी, और यही इसमें काफ़ी ज़्यादा प्यारी हो रखी है। अभी फ़िलहाल शाम के बज चुके थे 8:30, तो खाना वगैरह खा लिया था मैंने, अभी मैं सीजर को घुमा रहा हूँ। सीजर, बीते 7 साल में ऐसा पहली बार हुआ है जब तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के ऊपर पहुँच गई। अभी पापा जी न्यूज़ देख रहे थे, उसमें बता रहे हैं कि तेल की कीमतें वापस से बढ़ सकती हैं, और जैसे कि आपको पता होगा रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है, ऑब्वियसली बात है कि यूक्रेन हार जाएगा, क्योंकि रूस बहुत ज़्यादा पावरफुल कंट्री है, उसमें हथियारों के मामले में भी, जिस मतलब कि GDP में हथियारों के मामले में सबसे आगे है वो, परमाणु के मामले में भी। तो अब मतलब यूक्रेन को काफ़ी सारे लोग जो हैं डोनेट कर रहे हैं, आप भी डोनेट कीजिए, जितना आपसे हो सकता है आप उतना डोनेट कीजिए, काफ़ी सारे साइडें हैं जो हेल्प करती हैं डोनेशन में, तो आप भी थोड़ा डोनेट कीजिए, और हमारी इंडियंस की पहचान यही है कि हम दूसरे को सहारा देने में काफ़ी ज़्यादा आगे रहते हैं, तो आप जितना हो सके आपसे डोनेट कीजिए। तो आज के व्लॉग में इतना ही, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए।